मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस डॉक्टर विक्रांत भूरिया व पेटलावद कांग्रेस विधायक बाल सिंह मीणा का पानी के पीने की समस्या को लेकर ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया। विधायक बाल सिंह मीणा ने मध्य प्रदेश की सरकार व झाबुआ कलेक्टर व पीएचई के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि ग्राम पंचायत पास की पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चली तो इसके लिए धरना प्रदर्शन व जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे, तो वहीं युवा कांग्रेस डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी सरकार पर निशाना साधा है। हम तुम्हारे साथ हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम हमारा अधिकार मानते हैं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मानते हैं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मानते हैं, किसी से भीख मांगते। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राज्यपाल के नाम से और मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को इसकी प्रतिनिधि भेजनी है, तो इसकी अनुशंसा और इसके बारे में सकारात्मक टिप्पणी लेकर करके कलेक्टर महोदय के माध्यम से इसे भोपाल प्रेषित कर दिया जाएगा। जहाँ तक स्वीकृति का प्रश्न है, हमारे पीएचई के हिसाब ने आप लोगों को बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन के लिए ये पड़ी हुई है। कुछ प्रशासनिक दिक्कतें थी जिसे दूर कर ली गई है और निकट भविष्य में शायद 1.5 महीने का इन्होंने समय दिया है कि ये स्वीकृति हो जाए। और जहाँ तक बात है स्थानीय स्तर की, तो वो चिन्हित करेंगे, चिन्हित इन्होंने पिछले साल में भी किया होगा और नए स्तर से फिर चिन्हित करेंगे माननीय विधायक जी और माननीय अध्यक्ष जी के साथ लेकर ये फिर से बैठेंगे और जहाँ जहाँ एक्यूट प्रॉब्लम है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है ये निकट भविष्य में तय करेंगे और अवश्य सबकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।